दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं जब हम दर्शकों की बात करते हैं तो उन्हें बधाई देनी आवश्यक है इस बात के लिए कि दूरदर्शन का ये कार्यक्रम अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है प्रश्नोत्तरी पिछले बाईस वर्षों से आपकी सेवा कर रही है कोशिश की जाती है दूरदर्शन द्वारा अपने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत कि आप में एक ललक पैदा की जाए आपको जिज्ञासु बनाया जाए आप इंक्विजिटिव कैसे बने आपकी भूख अमिट कैसे रहे कि मुझे और जानना है और जानना है और सीखना है और सीखना है तो आज हमने ये तय किया है कि एक विशेष अवसर है इसलिए हम डायबिटीज पर बात करें एक ऐसा रोग जिससे लोग आतंकित हैं काफी संख्या में लोग पीड़ित हैं बच्चे भी पीड़ित हैं यह होता क्यों है क्या क्या कारण है जो बेसिक जानकारी है वो भी हमें होनी चाहिए और उसके लिए हमने मेहमानों को बुलाया है मैं उनका नाम पुकारूंगा और आपको तालियां है जोरदार स्वागत के लिए डॉक्टर संदीप माथुर <laughs> आप प्रोफेसर एंड हेड हैं एसएमएस हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर शैलेश लोढ़ा आप भी प्रोफेसर हैं एंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर हैं और एच सी सी यानी इंटरनल हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हैं प्रॉमिनेंट तालियां बजाइए इनके लिए भी जोरदार तरीके से आप और अब बारी है आपकी अपने लिए तालियां बजाने की और प्रिंसिपल मैम के लिए इंदिरा सिंह जो मेहमान है आज की और अपने लिए और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं इतने जोशीले उत्साह और उमंग से भरे हुए विद्यार्थी कौन सी स्कूल के हैं रावत पब्लिक स्कूल प्रताप नगर ईसा से 400 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने विस्तार से वर्णन किया डायबिटीज के बारे में तब दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी बाद में वैज्ञानिकों ने डॉक्टर्स ने रिसर्चेस की और अब कई निदान उपलब्ध हैं डायबिटीज के मेरा सवाल यह है कि आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज हो जाती है तो रोक लग जाती है ये मत खाइए वो मत खाइए मिठाई तो बिल्कुल मत खाइए भारत उत्सव धर्मिता का देश है जश्न मनाए जाते हैं प्रतिदिन तीज और त्योहार होते हैं तो आदमी कहता है अगर मैं मिठाई भी ना खा सकूं या मन माफिक भोजन भी ना कर सकूं तो इस पापी पेट के लिए तो सारा जतन करता हूं फिर अर्थ क्या है इस पर एक शख्सियत ने अपने उद्गार प्रकट किए आपको बताना है उस शख्सियत का नाम उन्होंने यह कहा स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं मन है भोजन जीवन के लिए आवश्यक है किंतु भोजन के लिए जीना निरर्थक है आपको ये बताना है ये महान शख्सियत कौन जिन्होंने ये कहा जी खड़ी हुई है आप महात्मा गांधी महात्मा गांधी बिल्कुल सही आपका शुभ नाम मेघा खंडेल मेघा खंडेल वाले क्या बात है क्या बात है अगला सवाल बड़ा ही सरल सवाल देखिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए विश्व दिवस मनाए जाते हैं देश में भी कई दिवस मनाए जाते हैं सवाल यह है आपको बताना है वर्ल्ड डायबिटीज डे कौन सी तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है दुनिया भर में सबने हाथ खड़े कर दिए बोलिए आप चौदह नवंबर चौदह नवंबर को जी सर श्योर सर पक्का आपका शुभ नाम बीनू जोशी बीनु जोशी जी क्या बात है क्या बात है तालियां बजाइए देखिए बीनू जी का जो अंदाज है बया था काम एंड क्वाइट बट कॉन्फिडेंट कंपोज्ड मैंने पूछा हा हा यही तिथि हाँ हाँ यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए बीनू जी के लिए एक बार तालियां और बजाइए आप जब हम 14 नवंबर की बात करते हैं तो 14 नवंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है आप सोचेंगे सभी सवालों के जवाब खुद नहीं दे दिए वो इसलिए कि मोट रूप से आप सभी जानते हैं मेरा सवाल यह है कि देश में बाल दिवस किस तिथि से मनाया जाना आरंभ हुआ तिथि बताइए और जीतिए पुरस्कार बोलिए आप 1964 1964। तारीख बता सकते हैं ठहरिए 14 नवंबर हाँ फोर्टीन नवंबर ऑफ़ कोर्स। अच्छा कारण बता सकते हैं कि 1964 में क्यों चाचा नेहरू का बर्थडे था उनका नहीं ये बर्थडे तो था लेकिन 1964 में शुरू क्यों किया गया 63 में क्यों नहीं पहले क्यों नहीं कोई विशेष बात चलिए कोई बात नहीं शुभ नाम अमन गुरिया अमन जी के लिए तालियां बजाइए कोई बता सकता है वाई फ्रॉम 64 एक पुरस्कार और दे दूंगा खड़ी हो ये आप में उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी याद में मनाया है। किनकी? चाचा नेहरू चाचा नेहरू बिल्कुल सही शुभना देखिए दुनिया भर में रोगियों की संख्या डायबिटीज के जो रोगी हैं, वो बढ़ रही है तो आपको ये बताना है कि पहले तीन स्थानों पर कौन कौन से देश हैं अगर आप बता देंगे तो एक पुरस्कार दूंगा तीन स्थान बताने पर बोलिए आप तो चाइना इंडिया एंड यूएसए चाइना इंडिया एंड यूएसए आपका शुभ नाम सर शिखा सिंह शिखा सिंह क्या बात है तालियां बजाइए शिखा जी के लिए बिल्कुल सही उत्तर देखिए नौ दशमलव आठ करोड़ चाइना छह दशमलव सात करोड़ याद है आपको हो गया इंडिया और यूएसए 2.4 करोड़ इसके आगे बता सकते हैं आप यानी चौथा और पांचवां स्थान किन का है अगर आप बता दें ब्राजील एक दशमलव एक करोड़ रूस एक तालियां बजा सकते हैं मेरे लिए भी कभी कभी आप हाल ही में अफ्रीकन कंट्रीज के 19 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स हिंदुस्तान आए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में जब उनको डिनर दिया गया तो डिनर पर वो एक विशेष पोशाक पहन करके आए 95 परसेंट हेड ऑफ स्टेट्स उनमें से वो क्या विशेष पोशाक थी बताइए और जीतिए पुरस्कार आपको पूछा मैंने नहीं, नहीं। मोदी जैकेट प्लस मोदी कुर्ता मोदी जैकेट प्लस मोदी कुर्ता बिल्कुल इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं मोदी जैकेट कुर्ता भी नहीं मैं मोदी जैकेट प्लस मोदी कुर्ता शुभ नामांशु जोहर के लिए तालियां जोरों से बजाइए तालियां जोरों से बजनी चाहिए बिल्कुल आप ये देखिए एक फैशन आयुकन माने जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में लोगों की नजरें रहती हैं और उन्होंने मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट।, जैकेट उन सबको भेंट भिजवाई प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं ने और 95% परसेंट हेड ऑफ स्टेट्स उसे पहनकर करके आई तालियां बजाई इन सभी के सम्मान में आप देखिए, अभी हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर साहिबान हम उनसे बात करेंगे उससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि डायबिटीज की जब बात करते हैं तो डायबिटीज तो चूंकि घर घर में या परिवार में या रिश्तेदारी में कोई ना कोई होता है जो पीड़ित होता है चर्चा होती रहती है आपको उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए एक्स्ट्रा नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट वॉरंटेड आपको यह बताना है कि किस प्रकार से कैसे उनको तकलीफ होती है तो जिन्हें हम लक्षण कह सकते हैं कि साहब उनको डायबिटीज हुई तो ये लक्षण हमें नजर आ रहे हैं इनमें ये नजर आ रहे हैं आपको बताने डायबिटीज के मुख्य मुख्य लक्षण क्या है बताइए और दो पुरस्कार लेके चलता हूं एक दो आप बता दें एक दो आप बता दें इस तरह से जी पुकारा है तो मैंने कहा जी जी बोले आप जी भूख में प्यास अधिक लगना भूख अधिक लगना प्यास अधिक लगना बिल्कुल ठीक मोटापा बढ़ना मोटापा बढ़ना और थकान होना थकान होना शुभ नाम भारती मीना भारती मीना भारती के लिए तालियां बजाइए सर भारती जी मोटापा बढ़ने को यू कह सकते हैं कि मोटापे के कारण से डायबिटीज डायबिटीज के कारण से मोटापा नहीं बढ़ता वो उल्टा कह दिया लेकिन भूख बढ़ना प्यास बढ़ना ठीक है इत्यादि इत्यादि बिल्कुल सही कहा आपने और कोई बोलिए जो इसके अतिरिक्त हो बस तो ठहरिए ठहरिए। ये छोटा बच्चा बड़ा हाउसा ये जी बोलो आप अधिक अधिक बार यूरिन यूरिनाइजेशन होना ज्यादा पेशाब जाना और सर वजन की कमी होती है और मोटापा बढ़ता है वाह 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 क्या नाम है आपका मनोज पाठक मनोज पाठक जी क्या बात है तालियां बजाइए मनोज जी के लिए तो अब हम डॉक्टर संदीप माथुर से थोड़ा सा इसके बारे में विस्तारित उत्तर प्राप्त करें क्योंकि आपने तो मोटे रूप से बात कही मुख्य मुख्य लक्षण कई और लक्षण होते हैं क्या होते हैं इत्यादि इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला डॉक्टर साहब आप बिराजे यही आप बिराजे आप फरमाए देखिए ज्यादातर पेशेंट में ये सिमटोमेटिक होती है जी डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता है जी फैमिली हिस्ट्री हाई रिस्क पर्सन होता है हम सब ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने में शुगर आ जाती है जी जी भले लक्षण नहीं हो जी, फिर भी की आई की किडनी की और माइक्रोवेस्कुलर हार्ट की सबसे इम्पोर्टेंट है जी ये मत को ही मेरे को तकलीफ नहीं है तो मेरे शुगर नहीं हो ये कहना गलत है जी वैसे जो लक्षण बच्चों ने बताए हैं जैसे भूख ज्यादा लगना जी यूरिन बार बार आना प्याज ज्यादा लगना वजन कम होना जी बड़े इंपॉर्टेंट लक्षण है बार बार इन्फेक्शन होना जी दवा हम पेशेंट को देखते हैं कि तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लिकेशन होता जी। में होना, जी। है ना पैरों में छाले पड़ जाना आंख से देखने में तकलीफ तो कॉम्प्लिकेशन के साथ भी डायबिटीज आती है ये कॉमन लक्षण है ये थैंक थैंक यू डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर साहब ने दो बातें कही सिम्टम्स नहीं भी आते और अधिकांश मामलों में नहीं आते और लोग कभी टेस्ट नहीं कराते तो कहते हैं कि आज की जो लाइफ स्टाइल है आज की जो चीजें हैं जो हालात है पैंतीस वर्ष की आयु के पश्चात आवश्यक रूप से प्रतिवर्ष आपको जाकर के अपना ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको मालूम पड़ सके ये तो एक बात और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कहा जो आपने उत्तर दिए उन्होंने कहा लक्षण होते हैं लेकिन स्थिति यह है कि हम लक्षण को भी इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने से कई तरह की प्रॉब्लम्स और कई तरह की समस्याएं हो जाती है और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा विकृतियां पैदा हो जाती है और उनको तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है और इनरेपेरेबल लॉसेस भी कई बार हो जाते हैं तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए और आप सभी के लिए डॉक्टर शैलेश लोढ़ा साहब मैं साथ ही साथ आपसे पूछ लू पहले यह स्पष्ट हो जाए कि मधुमेह मधुमेह शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालें मधु मतलब मिठास जी और मेह मतलब यूरिनेशन जी तो किसी को अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है और उसमें मिठास है यानी कि शुगर है उस जी, यूरिन इस, इस, मिलके मधुमेह शब्द बनाया है. जी और जब हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में शुगर जो होती है उससे अधिक जब हो जाती है जी उस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं जी सामान्यतः एक खाली पेट जी और वन खाना खाने के दो घंटे के पश्चात ये नॉर्मल है यानी कि जब 200 हो जाए खाना खाने के दो घंटे बाद और खाली पेट 126 से ऊपर हो जाए जी तो उस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं जी अच्छा इसका मोटे रूप से क्या क्या होता है क्यों हो जाती है डायबिटीज क्या गड़बड़ क्या हो जाती है Uh, हमारे शरीर में शुगर का लेवल नियंत्रण रखने के लिए जी इंसुलिन नामक हार्मोन बीटा सेल की कोशिकाओं से निरंतर होता रहता है जी, जब शरीर में इंसुलिन सामान्य रहता है जी उसकी मात्रा सामान्य रहती है और उसका कार्य भी करने की क्षमता भी सामान्य रहती है जी मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी नॉर्मल है जी और इंसुलिन लेवल भी नॉर्मल है जी, तो शुगर एक सामान्य नंबर्स में रहती है जी और उससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है और शरीर का निरंतर कार्य चलता रहता है जी लेकिन जब इंसुलिन किसी वजह से कम हो जाए जी बीटा शेल, सेल्स को क्षति पहुंच जाए इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए जी, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए मतलब कि इंसुलिन मौजूद तो है शरीर जी, में लेकिन वो ठीक से कार्य नहीं कर पा जी, रहा है, जी, जी तो ऐसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जी, और इन दोनों डिफेक्ट्स की वजह से डायबिटीज हो जाती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू देखिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं अभी हाल ही में अखबारों की सुर्खियां बना क्या होता है पहले टैबलेट्स यानी गोलियां लेते फिर इंजेक्शन और इंजेक्शन भी सुविधाजनक कैसे हो दर्द रहित कैसे हो बच्चे डर जाते हैं तो वो सारी बातें चल रही है होती रही है हाल ही में लंदन के जो शोधकर्ता है उन्होंने एक इस प्रकार का कुछ चीज इजाद की है वेफर यानी बिस्किट और उसके जो साइज है वो एक डाक टिकट होता है उतनी है उसको क्या करेंगे उसमें क्या होता है क्या विशेष बात है बस ये बताइए और जीतिए पुरस्कार वो कहते हैं साहब ये तो बहुत प्रभावी चीज हमने कर दी है ये तो इंजेक्शन से आगे की बात है वो क्या होगा बताइए और उसको एक विशेष नाम भी दिया है वो भी बताएंगे देख पुरस्कार और उस वेफर या बिस्किट का जी खड़ी हुई है। एक प्रश्न का उत्तर दें सर सर उसको है ना दांतों तो, और चीख के बीच में रखते हैं जो इंसुलिन की कमी को पूरा करती है आपका शुभ नाम क्या है सर प्रिया सिंगल प्रिया सिंगल के लिए तालियां जोरों से बजाइए यानी उसको आप जीप के नीचे रखिए या दांत और दाल के बीच में जो स्पेस है वहां पर रखिए वो तत्काल ही उसका प्रभाव होगा जो कैपिलरीज़ हैं वो उसको एब्सॉर्व करके -कर तत्काल आपको फायदा मिलेगा सो इट इज बेटर देन इंजेक्शन तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार तरीके से आप अब आपको ये बताना है इस वेफर का उन्होंने नाम क्या दिया है बताइए और जीतीये पुरस्कार नाम क्या दिया है सर, सर, जी बोलिए आप सर एम एस एल जीरो जीरो वन एम एस एल जीरो जीरो वन आपका नाम आनंद राजावत आनंद राजावत वाह क्या बात है क्या बात है बिल्कुल सही तालियां जोरों से बजनी चाहिए जोरदार जोरदार बजाइए तालियां डायबिटीज जो होती हैं उनको मोटे रूप से क्लासिफाई किया हुआ है दो प्रकार में आपको यह बताना है वो दो प्रकार कौन कौन से हैं लेकिन यह तो एलिजिबिलिटी है ठीक है उनका नाम बोलना है कि भाई एक प्रकार को यह कहते हैं दूसरे प्रकार को यह कहते हैं फिर यह बताना है विशेष रूप से कैसे लोगों में वो डायबिटीज होती है इस प्रकार से और इस प्रकार से उम्र के हिसाब से यह मैंने क्लू भी दे दिया आपको आमतौर पर अधिकतर मोटे रूप से डायबिटीज होती है यह आपको जी बोलिए आप सर टाइप वन एंड टाइप टू टाइप टाइप वन एंड टाइप टू नाउ यू आर एलिजिबल बिल्कुल सही है जी टाइप वन पाई जाती बच्चों में और टाइप टू पाई जाती बड़ों में आमतौर पर आम तौर पर तो जब आम तौर का तो एग्जामिनेशन में लिखे तो अधिकतर मामलों में आम तौर पर पूरा बचाव करते हुए अपना ताकि अपने को कोई पकड़ नहीं ले क्या नाम है आकाश वर्मा आकाश जी आप तो आकाश है आपको कौन पकड़े साहब वाह वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है तालियां बजाइए आकाश जी के लिए जोरदार तरीके से देखिए एक सवाल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी यानी शीतला अष्टमी की मैं आपको एक पेन पिक्चर एक बता रहा हूं दो चार पंक्तियां आपको बताना है कि वो क्या स्थिति थी और क्या हो गया था तो खास तौर से मारवाड़ में जो स्त्रियां हैं वो एक विशेष त्योहार मनाती है एक विशेष मेला होता है एक विशेष गायन होता है और उसकी विशेष बात यह होती है कि गौरी पूजन के लिए जो महिलाएं जाती हैं वो कुमार के घर से घड़ा लेकर के आती है और उस घड़े में छिद्र होते हैं और हर घड़े में एक दीपक रखा हुआ होता है आपको यह बताना है कि इस मेले का नाम क्या इस व्रत का नाम क्या इस उत्सव का नाम क्या इसका गायन है उसका भी नाम वही है वो क्या है आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार और दूसरा एक तो इसमें ही दे दूंगा और दूसरा पुरस्कार आपको इस बात के लिए भी दे दूंगा अगर आप बता देंगे या मैं सोचता हूं सभी याद खड़ा कर रहे हैं ये क्यों मनाया जाता है उसका किससे क्या समझ ये दोनों चीजें डॉक्टर साहब क्योंकि और फिर वो जैसे टाइप वन एंड टाइप टू ऑफ डायबिटीज बच्चों में और बूढ़ों में आम तौर पर अधिकतर उसी प्रकार से एलाइजिबिलिटी पहले तो बताइए इस मेले का नाम उत्सव का नाम पहले जी 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 थोड़ा आप हटिए आप हटे हटिए जी बोलिए आप उत्सव का त्योहार त्यौहार का और उन पार्टिसिपेंट्स का नाम गुडला होता है घुड़ला ठीक है नाउ यू आर एल अब आप बताइए ये घुड़ला क्यों कहते हैं क्योंकि जो घुड़ले का थे उन्होंने घुड़ले खा आ गए आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं बिल्कुल अरे अड़ोस पड़ोस नहीं नकल मारना नहीं नहीं, मारवाड़ी हाँ। महिलाओं को किडनैप हाँ, हाँ, बोले आप बिल्कुल सही है किडनैप किया था हाँ। और जो पुरुष थे उन्होंने उसे बचाया और हाँ। उसकी गर्दन काटी और उसमें छिद्र किए थे और इसीलिए उसका नाम गुडला होता है आपका नाम बताओ पहले तो संस्कृति गुप्ता संस्कृति वाह आप तो स्वयं ही संस्कृति है <laughs> वाह क्या बात है यानी आप इसको यूं देखिए कि मारवाड़ की, मार की स्थितियां जो पुराना आख्यान आप ये कहते हैं अजमेर का सूबेदार तत्कालीन घुड़ले खां जो गौरी पूजन के लिए महिलाएं गई थी उनका अपहरण कर करके ले गया था उसको फिर छुड़वाया गया और जिन सैनिकों ने छुड़ाया उन्होंने उसका गर्दन काट दी और तीरों से उसका जो सर था उसको बीन दिया गया था और उसको लाया गया था और उन महिलाओं को छुड़ा करके लाया गया था तो उन महिलाओं ने उस समय गलियों गलियों में सभी जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर वो मेला और जुलूस निकाला था गुड़ले खां का जो सर है वो सर पर रखकर और उसकी याद में स्मृति में अब जो कुमार के यहां से घड़ा लाते हैं वो गुड़ले खां का प्रतीक है और दीपक बीच में जल रहा है गौरी पूजन के लिए और छिद्र है हर घड़े में ठीक है तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए अब देखिए डॉक्टर साहब आज मैं पढ़ रहा था कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं डॉक्टर्स और वो बहुत विशेष रूप से इंजीनियर्स वगैरा के लिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए थी कि उनको भी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उनको भी अन्य बातों से रूबरू कराने के लिए कल्चरली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो पढ़ाई करने वाले लगे हुए रिसर्च एज में मानव ताकि सेवा में को कुछ नया करें नया करें ऐसा कुछ होता है तो उसी संदर्भ में मैं यह सोचता हूं कि जो सारे बच्चे हैं इन्हें गौरवान्वित होना चाहिए गर्वोक्ति करनी चाहिए ये ये कह सकें किसी को भी कि हम सभी सिंगर्स हैं और हम ऐसे सिंगर्स हैं कि हमने टेलीविजन पर गाना गाया है तो हमारे जो लोग गीत हैं घुड़ला पर भी एक गीत है मैंने कहा उसका नाम क्या है तो नृत्य का नाम भी घुड़ला गीत का नाम भी घुड़ला और वो मेला भरता है वो भी घुड़ला घुड़े खां घुड़ला ठीक है तो मैं एक एक पंक्ति मैं बोलूंगा और आपको सभी को संवेश स्वर में तैयार हैं आप yes, ओ तेल बड़े घी घाल घुड़ लो घूमे लाझी घूमे बारे आव लो मेला अब मैं मैम यहां पर विराजित हैं तो मैम से भी थोड़ी सी बात करें मैम आप एक महिला हैं एजुकेशन के क्षेत्र में हैं महिला सशक्तिकरण की बात चलती है आप ये बताएं कि शिक्षा का क्या महत्व है महिलाओं के उत्थान में उनको प्रगतिशील बनाने में उन्हें सशक्त करने में इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? थोड़ा है आप। आ, मेरे विचारों में अगर एक महिला शिक्षित होती है जी क्योंकि हमारा जीवन एक नारी से शुरू होता है जी अगर नारी शिक्षित है जी तो एक परिवार को वो शिक्षित करती जी, है जी और परिवार से ही हमारा समाज बना है जी और समाज से एक राष्ट्र बनता है जी तो एक दुनिया को एक सशक्त बनाने के लिए एकजुट रखने के लिए सबसे पहले नारी को शिक्षित होना पड़ेगा जी और नारी के शिक्षित करने से ही एक हम बहुत अच्छे उन्नति लेवल पे हम जा सकते प्रगति कर सकते जी, जी, इसलिए सबसे जरूरी है कि हर महिला हर बालिका जो भी हमें दिखे जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हैं, उनको एक जो हमारी सरकार ने आरटी एक्ट शुरू किया है उसके तहत उन्हें शिक्षा दी जाए जी

छात्रों को वो राखियाँ बांधती है उन लड़कियों को हम एक मुफ्त में शिक्षा देते हैं वो आर टी तहत के अलग एक प्रोग्राम है जो हम अपने स्कूल में कर रहे हैं और ये हमने शुरू किया हुआ है थैंक यू थैंक यू थैंक यू तालियाँ जोरों से बजाइए मैम के लिए आप देखिए अभी डॉक्टर साहब से हम थोड़ी चर्चा करेंगे सवाल पूछेंगे उससे पहले आपसे एक सवाल ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज है वो वंशानुक्रम से होती है यानी माता पिता या उनके जो माता पिता या और जो लोग थे उनसे आपको या ऑफ स्प्रिंग या बच्चों में वो आती है ट्रांसमिट होती है लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं या आज की ये मान्यता है या इसमें भी काफी रिसर्चेज हो रही हैं और चर्चा करेंगे हम कि एक्वायर्ड भी की जाती है इसको यानी जो व्यक्ति है वंशानुक्रम से नहीं है पेरेंटल नहीं है ट्रांसमिट नहीं हो रही है लेकिन फिर भी वो फिर भी उसे डायबिटीज कैसे हो जाती है विकास कर रहे हैं हम उन्नति हो रही है हमारी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो रहे हैं हम ये क्लू भी मैंने दे दिया अब आप बताइए कैसे होता है और जीतिए पुरस्कार जी खड़ी होइए आप जी सर एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण से जी और एक बैठे बैठे काम करते रहना हर वक्त अच्छा इनएक्टिव रहना इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ओके ओके यस सर ये मूल कारण है यस सर आपका शुभ नाम सृष्टि चौधरी सृष्टि जी आप तो रचयिता हैं <laughs> आप स्वयं हैं ये स्ट्रेस क्यों जब अपने को मालूम है कि स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए फिर ये स्ट्रेस क्यों क्योंकि आजकल हम हमारी जिंदगी में हमारा काम जो है वो भाग दौड़ वाला हो गया है हम लोग खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं हर वक्त काम की और हमारा ध्यान रहता है इस वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वाह 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 वा, वा। क्या बात है सृष्टि जी क्या बात है कहानिया जोरों से बजाइए सृष्टि जी के लिए डॉक्टर माथुर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं बिकॉज ये जद्दोजहद चलती है और कुछ लोग तो इस प्रकार से हैं या यूं कह सकते हैं कि जो पुरानी फिलॉसफी या जो डॉक्टर्स हैं पुराने वो ये कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है दैट इट इज एक्वायर्ड ये तो सिर्फ ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्ट्रिंग जेनेटिकली तो जेनेटिक्स इज द रीजन और रेस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज तो क्या वास्तव में एक्वायर्ड भी होती है और लाइफ स्टाइल जो आज की है उसका कितना योगदान है इसमें यह थोड़ा बताएं

आ, उसमें एक्चुअली जो करंट स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं उसके हिसाब से हमारा सैंपल साइज करीब 15,000 आ रहा था हमने 25,000 फाइव थाउजेंड तो मोटे रूप से क्या आपकी बात से मान लें कि रेस्ट दैट इज 7.5 या उसके अलावा जो है हाँ। वो बिकॉज ऑफ द द एंड आर एक्वायरिंग यस उसके बाद हमारे टूल के हिसाब से थैंक यू थैंक यू कालिया जोरों से बजाइए डॉक्टर के लिए जोरदार तरीके से मेरा एक सवाल जब हम आतिशबाजी की बात करते हैं दीपावली मनाते हैं जश्न की बात हमने करी जश्न जब भी होता है तो आतिशबाजी आतिशबाजी आपको बताना है आतिशबाजी का आविष्कार कहां हुआ और हिंदुस्तान की वो जगह कौन सी है जहां सर्वाधिक यानी 90 परसेंट प्लस आतिशबाजी जहां निर्मित की जाती है बनाई जाती है जिसे आतिशबाजी नगरी भी कहा जाता है बताइए और जीती पुरस्कार खड़ी हुई है आप जी चाइना में इन्वेंशन हुआ था चाइना में इन्वेंशन हुआ था बारूद का आपका शुभ नाम दीपा जी, दीपा जी के लिए तालियां से बजाइए। अब ये बताइए हिंदुस्तान की वो जगह वो जगह बताइए हिंदुस्तान की और जीती पुरस्कार अच्छा अभी पूछते हैं आपसे भी यस बोलिए आप तमिलनाडु में शिवा काशी शिवा काशी इन तमिलनाडु आपका शुभ नाम सपना शर्मा सपना जी क्या बात है बिल्कुल सही जोरदार तरीके से तालियां सपना जी के लिए बजाइए जोरदार तरीके से जोरदार डॉक्टर शैलेश लोडा साहब आप विराजित हैं मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लूं कि क्या ट्रीटमेंट के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा या और लाइफस्टाइल में बदलाव ला करके क्या कुछ ऐसे स्टेज आ सकती है कि मेडिकेशन बहुत कम जरूरत पड़े और आप उसको मीट विद कर सकें इस संघर्ष में वो सफल हो सकता है डायबिटीज के बावजूद डायबिटीज आपकी लाइफ में कहीं भी कोई बाधा नहीं है वसीम अक्रम एक शख्स है, है फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर, कितनी एनर्जी चाहिए कितना स्टेमिना चाहिए और वसीम अक्रम को बचपन में ही डायबिटीज हो गई थी जी टाइप वन डायबिटीज थी जी है मतलब और वो इंसुलिन इंजेक्शन लगा के भी फील्ड पे किस तरह का प्रदर्शन करते थे वो सभी को पता है जी, जी, तो ये बात स्पष्ट है कि डायबिटीज आपके जीवन में कहीं बाधा नहीं है जी और रहा सवाल कि इस पे नियंत्रण कैसे किया जाए तो डायबिटीज पे नियंत्रण के मेनली डाइट जी फिजिकल एक्टिविटी जी, और दवाएं जी इन तीनों का सामान्य इक्वल रोल है जी अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं नियमित व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और अपनी दवाएं समय पर लेते हैं ठीक से लेते हैं तो फिर टेस्ट वगैरह भी कराते रहते हैं समय समय जी तो आपके जी। जीवन में कहीं कोई रुकावट नहीं है कोई बाधा नहीं है जी। और जी। अगर संतुलित जी। रूप में खान पान रखे मीठा कभी कभार खा लिया जी। किसी ओकेजन पे खा लिया तीज त्योहार पे खा लिया जी और उसके एवज में आपने दूसरे भोजन में कटौती कर दी जी एक आध रोटी कम खा ली जी कुछ दूसरी चीज कम कर ली जी जी और एडजस्टमेंट कर लिया कैलोरी का मतलब अगर आप अपने रोग को समझ रहे हैं आपको कैलोरी की गणना करनी आती है आपको डायबिटीज की पूरी जानकारी है तो आप ये मैनेजमेंट डाइट का कर सकते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं सब भोजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं वाह वाह वा, क्या बात है क्या बात है बात है क्या यानी डॉक्टर साहब ने यह कहा कि आप सफल हो सकते हैं और वसीम अकरम का एग्जाम्पल दिया कि बचपन से थी लेकिन जीजी जी विशा देखिए आप उस व्यक्ति की दवाइयां 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 एक जुनून और फास्ट बॉलर ट्रू फास्ट बॉलर दुनिया में जिसने नाम किया क्लासिक एग्जाम्पल और दूसरा आपने कहा आपको मिठाई खानी है तो दूसरी चीजें कम कर दीजिए रोटी कम कर दीजिए ताकि वो जो है, वो जो है हो जाए बैलेंस हो सके ये गणना आपको आनी चाहिए वेरी सिंपल पहली और दूसरी क्लास की जो, जो जोड़ बाकी है अगर वो आ जाए आपको तो मामला फिट हो सकता है क्यों यही कहना चाह रहे हैं साहब तो अब सारे लोगों को संदेश जश्न मनाइए दीपावली मनाइए मिठाइयां खाइए और उससे भी ज्यादा औरों को खिलाइए और औरों को खिलाने से जो आनंद और जो मिठास आता है वो स्वयं के खाने से नहीं आता है तालियां बजाई दोनों डॉक्टर साहब और मैम के लिए अड़सठ साल पहले उन्नीस में पहली बार एक पति और पत्नी जो दोनों चिकित्सक थे उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया आपको यह बताना है कोरी थे वो और कोरी साइकिल हाथ नीचे मत करिए प्रश्न तो आगे पूछूंगा मैं तो उनका जो रिसर्च थी कोरी साइकिल वो जो सिद्धांत था वो किस रोग के निदान में आगे काम में आया ये आप बताइए इससे सरल तो सवाल क्या हो सकता है खड़ी होइए आप डायबिटीज डायबिटीज तालियां जोरों से बजाइए वाह मनाली सिंह जी मनाली सिंह मनाली सिंह जोरदार मनाली जी के लिए जोरदार तालियां तालियां जोरदार बजाइए जोरदार तालियां जोरदार तालिया बजनी चाहिए देखिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं इतने उत्साह और इतना जोश यानी आपका जो उत्साह है उमंग है जोश है वो श्लाघनीय है और जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज एज ए टीम यू आर गोइंग यू आर परफॉर्मिंग और आप अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं तो हे रावत पब्लिक स्कूल प्रताप नगर के विद्यार्थियों अपने समर्पण के लिए जोरदार तालियां बजाओ एक बार और आप गायक बन चुके हो आज सर्टिफाइड अब मैं आपको तालियां जोरों से बजवा रहा हूं दो बातों के लिए कि एक तो आपकी सह पार्टी ने जो बनी ठनी बैठी है नृत्य की प्रस्तुति करेंगी आपको लयात्मक तरीके से उसमें रम जाना है डूब जाना है एक और दूसरा अगर चाहो कि एक प्रमाण पत्र जाते जाते और मिल जाए चलते चलते कि हम नर्तन भी करते हैं तो उनके साथ साथ आप भी ठुमका लगा सकते हैं अपने स्थान पर तालियां चोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए आप जोरदार